जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेल सेक्स एसरी डक्ट। तो मेल एसरी सेक्स डक्ट में क्या क्या हुआ? रिटेटेस्टिस, वासाई फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, राइट? इसके अलावा और क्या है इसमें? यूरिथ्रल मिएटस, राइट? यूरिथ्रल मिएटस। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था, हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है? क्या पढ़ा था हमने कि टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स का मतलब है इंटरनल कंपार्टमेंट। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इट कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? क्या होगा इसके अंदर? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ठीक? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। फिर मेल जर्म सेल कौन सी सेल्स में बनेंगे? 2 सेल बन रही थी, तो मेल जर्म सेल, ठीक है, एक मेल जर्म सेल, और दूसरी कौन सी है यहाँ पर? सर्टोली सेल्स, राइट? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स साइज में कैसी है? बड़ी है। नंबर कैसा उसका? स्मॉल है। किस में रोल प्ले कर रही है? ये नरिशमेंट में रोल कर प्ले करती है, ठीक? फिर किसके नरिशमेंट में? जर्म सेल्स के। जो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन का मतलब मियोसिस होगा, और फिर क्या होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या देखा था हमने? रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाहर क्या प्रेजेंट होगा? कुछ स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसिस कहते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगी और लेडिक सेल्स, राइट? लेडिक सेल्स प्रेजेंट होंगी। फिर लेडिक सेल्स क्या रोल प्ले करेंगी, ठीक है? व्हाट द लेडिक सेल्स दे विल डू? द लेडिक सेल्स दे विल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन कॉल्ड एंड्रोजन्स, ठीक है? एंड्रोजन जो बड़े ग्रुप का हार्मोन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंड्रोजन्स कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब ये हम ये टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। मेल सेक्स एसरी डक्ट, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें? रीटेटेस्टिस, ठीक है? रीटेटेस्टिस, रीटे का मतलब जो जाल बना हुआ है, ठीक है? जाल बना हुआ, रीटे का मतलब ही जाल होता है, ठीक है? रीटे का मतलब जाल। वासा इफ्रेंशिया, ठीक है? वासा इफ्रेंशिया। एपिडिडाइडिमिस, एपिडिडाइडिमिस। वास डिफरेंस, क्या क्या है ये? वास डिफरेंस है। ये इसका फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है। दिस इज द फ्लो चार्ट, ठीक? दिस इज द फ्लो चार्ट। दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा? इट इज द प्लेस वेयर द स्पर्म विल प्रोड्यूस, राइट? स्पर्म विल प्रोड्यूस देयर इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट? इट विल गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट। इट विल गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट। आफ्टर दैट वेयर इट विल गोज? इट विल गोज टू द रीटेटेस्टिस, राइट? रीटे का मतलब जाल, रीटेटेस्टिस। एंड फ्रॉम द रीटेटेस्टिस इट विल गोज टू द वासा इफ्रेंशिया। एंड फ्रॉम द वासा इफ्रेंशिया इट विल गोज टू द एपिडिडाइडिमिस, राइट? एपिडिडाइडिमिस। एंड फ्रॉम द एपिडिडाइडिमिस इट विल गोज टू द वासा डिफ्रेंशिया, राइट? वासा डिफ्रेंशिया। एंड फ्रॉम वास डिफ्रेंशिया इट विल फ्यूज विद द सेमाइनल वेसाइकल, राइट? इट विल फ्यूज विद द सेमाइनल वेसाइकल। एंड इट विल गोज टू द यूरिथ्रा। एंड फाइनली इट विल गोज टू द इजैकुलेटरी डक्ट, राइट? सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो चार्ट। फर्स्ट द स्पर्म विल प्रोड्यूस हेयर, राइट? स्पर्म, जो स्पर्म होगा कहाँ बनेगा? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर वो कहाँ गया स्पर्म? कलेक्टिंग डक्ट में गया, ठीक है? कलेक्टिंग डक्ट में गया। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा वो? रीटेटेस्टिस में गया, ठीक है? रीटेटेस्टिस में गया, क्योंकि स्पर्म को क्या, स्पर्म जो होगा उसको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो
लॉन्ग डिस्टेंस से मतलब है कि भाई उसको जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना, एग को फ्यूज़ करना, तो इसका मतलब उसे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कहाँ मिलेगी उसको, हर एक जगह से जहाँ जहाँ वो जाता रहेगा वहाँ से उसको सिक्रीशंस मिलते रहेंगे, एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक। फिर वासोइफ्रेंसिया, ठीक है, वासोइफ्रेंसिया। फिर उसके बाद में एपिडिडाइमिस, ठीक है, कहाँ गया फिर वो, एपिडिडाइडिमिस में गया। एपिडिडाइडिमिस ये कौन से, ये पोस्टीरियर पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। एपिडिडाइडिमिस कहाँ प्रेजेंट है, वो पोस्टीरियर पार्ट प्रेजेंट है। एपिडिडाइडिमिस को हम क्या कहते हैं, इसको वोल्फियन डक्ट भी कहते हैं, ठीक। 5 से 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एपिडिडाइडिमिस, हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड होती है। ये स्पर्म को मोटाइल करती है, क्या करती है, ये स्पर्म को मोटाइल बनाती है, मूवमेंट करवाने में, नरिशमेंट का ही करवाती है, स्पर्म को स्टोर करके भी रखती है, स्पर्म के मैचुरेशन के लिए भी ये रोल प्ले करती है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होगा, एपिडिडाइडिमिस के बाद कहाँ गया, ये वासा डिफरेंशिया, ठीक है, वासा डिफरेंशिया, इसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं इसको, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। फिर ये किसके साथ फ्यूज होगा, ये सेमाइनल वेसाइकल के साथ फ्यूज होगा, ठीक है, इट फ्यूज विद द सेमाइनल वेसाइकल्स। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसाइकल सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, राइट, सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर। तो ये इसका सिक्रीशन जो होगा एल्कलाइन नेचर का होगा, इसका पीएच होता है 7.4। यहाँ से जो सिक्रीशन होगा उसका जो पीएच है वो कैसा है, वो एल्कलाइन का है, ठीक है, कितना, 7.4। क्या सिक्रीट करेगा, इसके साथ फ्रुक्टोज भी सिक्रीट होगा, ठीक है, जिस सिक्रीट फ्रुक्टोज, और इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 60% जो सीमेन का जो पार्ट है, 60% सीमेन का जो पार्ट है, क्लियर। आफ्टर दैट इट विल गोज टू द यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में जाएगा। फिर फाइनली इट विल गोज टू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, फिर कहाँ गया वो, इजैकुलेटरी डक्ट। सो दीज आर द एसेसरी डक्ट, राइट, दीज आर द एसेसरी डक्ट्स, इट इंक्लूड्स योर रीटे टेस्टिस, वासिफ्रेंसिया, एपिडिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है आगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू वासिफ्रेंसिया, ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ऑफ द ट्यूब्यूल टेस्टिस ओपन्स इनटू वासिफ्रेंसिया, अभी मैंने फ्लो चार्ट में बताया, थ्रो रीटे टेस्टिस, किससे, रीटे टेस्टिस से, वासिफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, वासिफ्रेंसिया क्या करेगा, टेस्टिस को लीव करेगा, लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइडिमिस, कहाँ ओपन होगा वो, एपिडिडाइडिमिस है, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, पोस्टीरियर सरफेस पर। एपिडिडाइडिमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइडिमिस किसको लीड कर रहा है, वो वास डिफरेंस को लीड कर रहा है, ठीक है, वास डिफरेंस को लीड कर रहा है। एसेंड्स टू द एबडोमन, एसेंड्स टू द एबडोमन के ऊपर एसेंड हो रहा है वो, एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर उसने लूप क्रिएट कर लिया, ठीक है, लूप सा क्रिएट कर लिया। फिर इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल, किससे वो रिसीव कर रहा है डक्ट को, सेमाइनल वेसाइकल से वो कर रहा है रिसीव्स, एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है, फिर वो कहाँ ओपन हुआ, वो यूरिथ्रा में ओपन हुआ एज ए इजेकुलेटरी डक्ट। फिर डक्ट क्या कर रहे हैं, डक्ट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा, जो डक्ट होगा स्टोर कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसका, स्पर्म्स का, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा, ठीक है। फिर यूरिथ्रा ओपन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा कहाँ ओपन हो रहा है वो, यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, ठीक, कहाँ से एक्सटेंड होगा वो, पेनिस से, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मिएटस, समझ में आई बात। तो यूरिथ्रा कहाँ ओरिजिनेट हुआ वो, यूरिनरी ब्लैडर से जो ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हुआ। फिर कहाँ एक्सटेंड हुआ वो, थ्रू
थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मिएटस. क्या कहते हैं उसको हम लोग? यूरिथ्रल मिएटस. फिर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखाता हूँ. ये है वो डायग्राम, ये डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पार्ट ऑफ अ टेस्टिस इज ओपन टू शोइंग इनर डिटेल्स. ठीक है, इनर डिटेल्स में ये था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने पढ़े थे. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगे? हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या था? स्पर्म था. क्या था इसके अंदर? स्पर्म था. कहाँ गया फिर वो? कलेक्टिंग डक्ट में गया. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से. फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ गया वो? रीटेटेस्टिस, जो जाल जो है, जो रीटेटेस्टिस है, जो जो जाल जो बना है. फिर वो वास इफ्रेंसिया. ठीक है, देख रहे हो आप ये वास इफ्रेंसिया वाला जो पार्ट है. फिर कहाँ गया वो? ये एपिडीडाइडमिस में, यहाँ पर स्टोर रहता है लंबे समय तक जो होता है आपका स्पर्म. ठीक है, स्पर्म जो होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा काफ़ी लंबे समय तक. इसके अलावा जो एपिडीडाइडमिस है, अभी मैंने फंक्शन भी बताया था किस में वो रोल प्ले करेगा. एपिडीडाइडमिस हाईली कॉइल्ड है. ठीक है, तो हाईली कॉइल्ड है और क्या, वो स्पर्म को मोटाइल भी कर रहा है, नरिशमेंट भी कर रहा है, मैचुरेशन के लिए भी रोल प्ले कर रहा है. ठीक है ना, मैचुरेशन के लिए भी वो रोल प्ले कर रहा है. फिर एपिडीडाइडमिस के बाद कहाँ गया वो? वास डिफरेंशिया. ठीक है, वास डिफरेंशिया से वो कहाँ गया फिर वो? वास डिफरेंशिया, ये देखिए आप, ये है वास डिफरेंशिया, ये जो लूप है. ठीक है, ये जो लूप है ये हो गया आपका वास डिफरेंस. ठीक है, वास डिफरेंस में गया. वास डिफरेंस किसके साथ फ्यूज करेगा? सेमिनल वेसाइकल. ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स, ये देखो ये है सेमिनल वेसाइकल्स. ठीक है, ये हो गया वास डिफरेंस और ये किसके साथ वो फ्यूज कर गया सेमिनल वेसाइकल्स. कहाँ पर सिचुएटेड है ये? ब्लैडर के पीछे. ठीक है, सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, समझ में आई बात. और फिर वो कहाँ ओपन हो रहा है वो? ये देखिए यहाँ पर यूरिथ्रा. ठीक है, कहाँ पर ओपन हुआ वो? यूरिथ्रा में. एंड फाइनली ये हो गया इसमें यूरिथ्रा, देन द इजेकुलेटरी डक्ट. क्लियर? एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी. ठीक है, कंडीशन है वेसेक्टोमी. ठीक है, एक कंडीशन होती है वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी में क्या होगा? वास डिफरेंस को क्या करते हैं? कट कर दिया. कट करने के बाद उसको टाई कर दिया. ठीक है, वेसेक्टोमी, राइट. हिंदी में क्या कहते हैं उसको? नसबंदी कहते हैं. तो वास डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ये जो है ट्यूब है इसको कट करके इसको बांध देते हैं. इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेसेक्टोमी कहते हैं. ठीक है, तो वासेक्टोमी जब होगी तो यानी कि जो जो है सीमेन तो रिलीज होगा. ठीक है, सीमेन तो रिलीज होगा क्योंकि सेमिनल वेसाइकल्स हैं, वो अपने सिक्रीशंस रिलीज करेंगे. इसके अलावा और भी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं या और भी जितने भी एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो भी रिलीज करेंगे, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा. ठीक है, उसमें स्पर्म नहीं होगा. दिस इज द मेन डिफरेंस. क्लियर? तो ये हमने देखा कि भाई जो मेल एसेसरी डक्ट है, ठीक है, जो मेल एसेसरी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट है उसमें ये पार्ट हमने देखे, रीटेटेस्टिस, वासिफ्रेंसिया, एपिडीडाइडमिस और वास डिफरेंस. ठीक है, ये हमने पार्ट देखे. तो इसमें क्या क्या हमने समझा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्पर्म को बनाएगा. फिर कहाँ गया वो? कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, कहाँ गया वो? कलेक्टिंग डक्ट में गया. कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिर वो कहाँ गया वो? रीटेटेस्टिस. ठीक है, रीटे जो जाल जो होता है. ठीक है, जाल. फिर कहाँ गया वो? मूव्स टू वास डिफरेंशिया. ठीक है, वास डिफरेंशिया, देन एपिडीडाइडमिस. ठीक है, एपिडीडाइडमिस जो कि स्पर्म को मोटाइल करेगा, नरिश करेगा, स्टोर करेगा. देन इट विल फ्यूज विद द सॉरी देन इट विल गोज टू द वास डिफरेंशिया, दिस द स्पर्म डक्ट. एंड फाइनली इट फ्यूजेस विद द सेमिनल वेसाइकल्स. ठीक है, सेमिनल वेसाइकल्स, तो ये भी अपना ये भी सेमिनल वेसाइकल्स सिक्रीशंस को रिलीज करेगा. कहाँ सिचुएटेड है वो? ब्लैडर के पीछे. ठीक है, फ्रक्टोजिस के साथ होता है सिक्रीशन, जो कि सीमेन का 60% पार्ट होता है. ठीक है, सीमेन का 60% पार्ट होगा, उसमें क्या होता है? फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है. देन यूरिथ्रा एंड फाइनली इनटू द इजेकुलेटरी डक्ट. क्लियर? ये हमने पढ़ा था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इन टू वास इफ्रेंसिया थ्रो रीटेटेस्टिस. किससे ओपन हो रही है वो? रीटेटेस्टिस से ओपन हो रही है. वास इफ्रेंसिया
लीव द टेस्टिस, ठीक है, वासिफरेंसी क्या करेगा, टेस्टिस को लीव करेगा एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइडिमिस लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है वो, पोस्टीरियर सरफेस पर, ठीक, एपिडिडाइडिमिस लीड्स टू द वास डिफरेंस, एपिडिडाइडिमिस किसको लीड कर रहा है, वास डिफरेंस, ठीक है, एपिडिडाइडिमिस लीड्स टू वास डिफरेंस, एसेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड किसके ऊपर लूप हो गया, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर हो गया। फिर इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल्स, किससे वो डक्ट रिसीव कर रहा है, वो सेमाइनल वेसाइकल से वो रिलीव वो कर रहा है रिसीव, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल से। फिर कहाँ पर, इट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल्स एंड ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा एज द इजेकुलेटरी डक्ट, और डक्ट क्या कर रहा है, डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। फिर यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिथ्रा कहाँ, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस, किससे एक्सटेंड हुई, पेनिस से टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द यूरिथ्रल मीएटस, क्या कहते हैं उसको हम लोग, यूरिथ्रल मीएटस कहते हैं। एक जो इसमें मैंने बताया था फ्रक्टोज के बारे में बताया, तो जो जिसकी मैंने कहा 60% पार्ट है, एक इसमें फ्रक्टोज टेस्ट भी होता है, ठीक है, फ्रक्टोज टेस्ट किसके लिए होता है, वो फॉरेंसिक साइंस में होता है, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में, जैसे कोई रेप का केस हुआ, ठीक है, जैसे कोई रेप का केस हुआ तो वहाँ पर फ्रक्टोज टेस्ट को किया जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज टेस्ट को वो किया जाता है। फिर इसके अलावा, ठीक है, आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन, ठीक है।